हेलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट तीन पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं मोल कॉन्सेप्ट वन मोल कॉन्सेप्ट टू एंड मोल कॉन्सेप्ट थ्री मोल कॉन्सेप्ट वन में हम बेसिक मोल के बारे में समझेंगे लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह परसेंटेज ईल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और मोल कॉन्सेप्ट टू में हम रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक है और मोल कॉन्सेप्ट थ्री में हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन वगैरह तो आपका तीनों पार्ट एक कवर होगा तो पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा मतलब दो चैप्टर को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है आप अगर देखोगे तो मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन ये अलग अलग चैप्टर हैं लेकिन मैं एक साथ ही इसको पढ़ाता हूँ तो मैं उसको बना रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट वन मतलब बेसिक मोल मोल कॉन्सेप्ट टू मतलब रिडॉक्स रिएक्शन और मोल कॉन्सेप्ट थ्री मतलब टाइट्रेशन ठीक है तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट वन वाला पार्ट तो सबसे पहली थ्योरी जो मोल कॉन्सेप्ट में दी जाती है वो है डाल्टन सेटोमिक थ्योरी ठीक है क्या थ्योरी होती है इसके अपन पॉइंट्स लिखेंगे पहला पॉइंट ये कहता है Matter is made up of very small, very small, indivisible particles called atoms. तो हम ऐसा बोलते हैं कि एटम क्या है इंडिविजिबल है मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर एटम बोल रहे हैं और वो किसने बोला था डाल्टन ने सेकेंड पॉइंट ये है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉइड एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है ना इसको मिटाया जा सकता है सेकंड पॉइंट है तीसरा ये है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सिमिलर नेचर जैसे अगर हम बात करें साइज की शेप की इन सब की तो सेम एलिमेंट के अगर एटम की बात करेंगे तो क्या होता है सिमिलर नेचर होता है साइज शेप ई टी सी पॉइंट नंबर फोर क्या है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट नेचर मतलब एक ही एलिमेंट के एटम के बारे में बात करेंगे तो उनका साइज और शेप क्या होता है सिमिलर होता है और अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम की बात करूंगा तो उनका डिफरेंट होगा सीधी सी बात है है ना तो ये डाल्टन के कुछ पॉइंट हैं बहुत ध्यान से इसको आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब अपन किसी भी सब्सटेंस को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्लासीफिकेशन या मैटर के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर कैसे कर सकते हो आप देखो क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर दो टाइप के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल ठीक है chemical, ये बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही हैं आपके लिए अभी मेन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है ना अभी बेसिक बेसिक अपन कवर कर रहे हैं पहले तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग और केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम इसको मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं फिजिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस और केमिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हम इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में भी हम और क्लासिफाई करें तो एलिमेंट आते हैं इसमें एंड कंपाउंड्स आते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड्स तो हम क्लासिफाई किसको कर रहे हैं मैटर को तो मैटर के क्लासिफिकेशन दो टाइप के हैं फिजिकल और केमिकल फिजिकल में आप जानते हो सॉलिड स्टेट हो सकती है किसी भी मैटर की लिक्विड हो सकती है गैस हो सकती है और केमिकल में दो टाइप्स है या तो मिक्सचर हो सकता है कंपाउंड्स का या प्योर सब्सटेंस हो सकता है अब इसमें प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट आप अलग कर सकते हो और कंपाउंड अलग कर सकते हो है ना ये भी अलग अलग प्योर हो सकते हैं ठीक तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं चलो तो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है इसके बारे में क्लियर समझ में आना चाहिए आपको तभी हम मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे तो पहली डेफिनेशन है रिलेटिव रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास तो ध्यान देना बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास को हम बोलते हैं आर ए एम राम ठीक है रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया जाता है 1961 से कार्बन का जो C12 वाला आइसोटोप है उसको स्टैंडर्ड माना गया और उसी से ही हम डिफाइन करते हैं इसके अलावा हाइड्रोजन स्केल और ऑक्सीजन स्केल भी होती है लेकिन हमारे लिए कार्बन स्केल इंपॉर्टेंट है तो मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना रिलेटिव एटोमिक मास आर एम इज इक्वल टू होता है मास ऑफ मास ऑफ वन मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वन बाय ट्वेल्व इंटू मास ऑफ वन सी ट्वेल्व एटम वन सी ट्वेल्व एटम से सुन लो क्या है मास ऑफ ऑफ वन एटम द एलिमेंट द एलिमेंट के एक एटम का मास ऊपर रखो अपॉन वन बाय ट्वेल्व इंटू मास ऑफ वन सी ट्वेल्व एटम मतलब एक सी ट्वेल्व एटम का जो मास है वो यहां रखो और इसको मैं कैसे निकालूंगा ध्यान से देखना मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियंस का मतलब क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ठीक है इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ठीक है डिवाइडेड बाय वन बाय ट्वेल्व ऐसे ही रहेगा इनटू मास ऑफ वन सीट वाले आइटम को कैसे लिखूंगा ट्वेल्व इंटू क्योंकि ट्वेल्व क्या है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन किसमें इसमें इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियन मास ऑफ वन न्यूक्लियन अब देखो जरा ध्यान से ट्वेल्व से ट्वेल्व उड़ा दू इससे ये उड़ा दू क्या बचा टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिय बचा इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं रिलेटिव एटोमिक मास इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट सीधी सी कहानी फिर सुन लो रिलेटिव एटोमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ठीक है ध्यान से देख लो एक बार फिर से मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कैसे लिखा मैंने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने इंटू एक न्यूक्लियन का मास इसी तरीके से मास ऑफ वन सीट वाले एटम कैसे लेगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं एक न्यूक्लियन का मास और इसके और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन बारह होते हैं छह प्रोटॉन और छह न्यूट्रॉन टोटल है ना मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो रिलेटिव एटॉमिक मास यहां से आ गया टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन सीधी सी कहानी ठीक है पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आई थिंक सेकंड नंबर पे चलते हैं सेकंड डेफिनेशन है एएमयू एएमयू और वन एएमयू मतलब वन डाल्टन भी बोलते हैं डाल्टन डा लिखते हैं इसको और एमयू को आजकल यू लिखने लगे तो ए एमयू मतलब एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म और यू मतलब आजकल यू लिखने लगे यूनिफाइड मास यूनिफाइड मास बोलते हैं इसको ठीक है बात बराबर ही है एएमयू लिखो डा लिखो या फिर यू लिखो अब ये होता क्या है ये जो यहां लिखा ना वन बाय ट्वेल्व इन टू एटम ये होता है AMU. तो इज इक्वल टू एम यू इज इक्वल टू वन बाय ट्वेल्व इंटू मास ऑफ मास ऑफ वन सी टेल्व एटम अब मास ऑफ वन सी टेल्व आइटम आप लिख चुके यहाँ नीचे डिनोमिनेटर वाला क्या है ये वन बाय ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इंटू मास मास न्यूक्लियन वन न्यूक्लियन ट्वेल्व से ट्वेल्व बढ़ा दू अब बताओ मास ऑफ वन न्यूक्लियन कितना होता है इसको याद कर लो वन न्यूक्लियन का मास होता है इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम और अगर के जी में कन्वर्ट करो तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन क्या आ जाएगा के जी ठीक है तो ये होता है आपका सेकेंड वाला क्या ए एम यू तो दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है रिलेटिव आइटम एक मास मतलब किसी एक पर्टिकुलर ऐटम कोई भी एलिमेंट का पर्टिकुलर आइटम का मास किसके रेस्पेक्ट में सी ट्वेल्व के और इसका मतलब क्या होता है वन बाय ट्वेल्व इंटू मास ऑफ वन कार्बन ट्वेल्व ठीक है नोट करो इसको फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अगला वाला पॉइंट और ध्यान से समझना एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है इसके डेफिनेशन हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ मास ऑफ वन एटम मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट और सब्सटेंस एक एटम का मास किसी एलिमेंट के एक एटम के मास को हम क्या बोलते हैं एटॉमिक मास अब थोड़ा सा आप याद करो अभी अपन ने जो एक फॉर्मूला बनाया था आर एम वाला उसमें सारी चीजें आ गई तीनों ये जो मैंने पीछे के तीनों टर्म आपके साथ लिए देखना ध्यान से मैंने क्या लिखा था ये लिखा था मास ऑफ ध्यान से देखना मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट ये लिखा था डिवाइडेड बाय मैंने यहां पर क्या लिखा था वन बाय ट्वेल्व मास ऑफ वन सी ट्वेल्व एटम अब यहां कहानी क्या है कि हमने AMU को कैसे डिफाइन किया था इसको ए बोला था तो इसको मैं, मैं लिख सकता हूं क्या वन ए ठीक है और ये जो लिखा है ना मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट यही तो डिफाइन किया आपने क्या एटॉमिक मास सही है ना तो मैं एटॉमिक मास लिखना चाहूंगा तो कैसा आएगा फॉर्मूला मेरा ऐसा बना कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन होते हैं इनटू वन ए एमयू ऐसा तो एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकालते हो ठीक ध्यान से देखो कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं फाइंड रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास ठीक है ध्यान से देखना मुझे वहां बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है वही तो होता है रिलेटिव एटोमिक मास अगर कोई एलिमेंट है एक्स जेड ए तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन पूछूं तो आप बोलोगे ए माइनस जेड और प्रोटॉन पूछूं तो जेड जेड से जेड कट गया मतलब ए इसका मतलब जो यहां पर मास नंबर आप लिखा करते हो एलिमेंट में वही क्या होता है नंबर ऑफ तो ध्यान से देखना, एने का आपको याद रखने पड़ेंगे तो एटॉमिक नंबर ट्वेंटी तक आप अभी फिलहाल याद कर लो पीरियडिक टेबल उठाओ हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक वैसे भी आपको क्लास टेंथ में याद रहते ही है तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना याद होना चाहिए तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कहाँ आते हैं ये जो ए है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ही क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास तो ट्वेंटी थ्री नाइनटीन एंड फोर्टीन ये क्या आ गया आर ए एम राम अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है तो रैम इंटू वन एम यू मतलब आप कुछ मत करो इसके आगे गए ए एमयू लगा दो ट्वेंटी थ्री ए एमयू नाइनटीन ए एम यू क्योंकि वन ए एमयू से मल्टीप्लाई करना है ना फोर्टी ए एम यू इस तरीके से बहुत ईजी है समझ गया बात को अब एक क्वेश्चन यहां पर यहाँ आता है कि आपसे मान लो ग्राम में पूछ लें कि बताओ ग्राम में एटोमिक मास कितना है तो मैं ऐसा बता कैल्सियम के लिए निकाल देता हूं मैं ना क्वेश्चन बना के लिख रहा हूं फाइंड एटोमिक मास इन ग्राम्स ऑफ कैल्सियम तो कैल्सियम का एटॉमिक मास हम एएमयू में तो निकाल चुके हैं 40 तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू है 40 ए 40 फोर्टी अब इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है फोर्टी इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम अगर आपसे बोले के जी में बताओ तो वो भी कर सकते सॉरी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ग्राम अगर के जी में बताओ तो फोर्टी इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी में आ जाएगा ठीक है तो ये ध्यान रखना कि ए से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करना है ठीक है समझ गए को सारी चीजें रिलेटिव एटोमिक मास क्या होता है एएमयू क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बोल दो मेरे साथ रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ठीक है ए का मतलब वन बाय ट्वेल्व इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम और एटॉमिक मास का मतलब क्या आर ए एम इंटू वन एम ठीक है नोट कर लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट है हमारा मोल्स मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं देखो जरा ध्यान से सुनना नंबर ऑफ एन ए नंबर ऑफ एंटिटीज इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं एंटिटीज को इसको बोलते हैं अपन एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस टी सी और एन ए का मतलब होता है नंबर नंबर होता है सिक्स पॉइंट जीरो हम क्या बोलते हैं वन मोल बोलते हैं और यहां पर जो एने है, एने को हम बोलते हैं अवोगेड्रोज नंबर अवोगेड्रोज नंबर और अवोगेड्रोज नंबर होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू

ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहता है किसमें एटॉमिक मास इन ग्राम यह एक अलग चीज है वो हम एक एटम का ग्राम में मास निकालते थे जो मैंने पीछे बताया आपको और ये क्या लिखा है मैंने ग्राम एटॉमिक मास जीएम ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मास एटॉमिक मास ऑफ वन मोल वन मोल एटम्स ये इसकी कहानी है ध्यान रखना एक एटम का हम पीछे निकाल चुके हैं ग्राम में कैसे निकालना था मैंने कैल्सियम वाला एग्जाम्पल लिया था एटोमिक ग्राम एटोमिक मास मतलब क्या होता है एटोमिक मास ऑफ वन मोल एटम मतलब एक मोल एटम का और एक मोल का मतलब कितना नंबर इतना तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ एने एटम्स और एने का मतलब क्या हो गया आपका इतना नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी थ्री एटम्स एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं क्लियर समझ में आएगा न्यूमेरिकल से जल्दी समझ में आती है चीजें ध्यान से देखना फाइंड फाइंड ग्राम एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इसका मुझे ग्राम एटोमिक मास निकालना है ठीक है तो ग्राम एटोमिक मास का मतलब क्या हो गया gm इज इक्वल टू एटोमिक मास कितने का n एटम्स का तो एक एटम का तो हम पीछे निकाल चुके हैं ना

एटॉमिक मास एटॉमिक मास कितना होता है सिक्सटी ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक तो है तो एटॉमिक मास में, में लेकिन ये एक एटम का है अब मुझे ग्राम एटॉमिक मास निकालना है. वो तो एन एटम का होता है तो ग्राम एटॉमिक मास जी एम ग्राम मास एक एटम का मास हो गया समझ रहे है बात को? मतलब मतलब जो लिखा रहता वो हो गया एटॉमिक मास इज इक्वल टू जो भी आपका रिलेटिव एटॉमिक मास आया उसमें ए एमयू लगा दो क्योंकि आर एम जो होता है आर एम में अगर वन ए एमयू से मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक तो मास आ जाता है

एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में कंफ्यूज मत होना कभी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है फाइंड एटॉमिक मास इन ग्राम तो वो हम ये निकालते हैं और अगर आपसे बोला है फाइंड ग्राम एटॉमिक मास तो वो हम ये निकालते हैं ठीक है ध्यान रखना बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत खतरनाक हो जाता है ये एटॉमिक मास इन ग्राम पूछते तो ये आता क्योंकि ये एक एटम का होता है और ग्राम एटॉमिक मास पूछते तो वन मोल के लिए आता है तो ये होता है तो अब ये तो मैंने बेसिक से बता दिया अब आप आगे जब भी लिखोगे तो आप डायरेक्ट करना क्वेश्चन फाइंड ग्राम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो सीधा सीधा बोल 16 सीधा बोल देना क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करके वैसे ही आ रहा है ना ठीक है इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या होता है इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे जैसे पॉइंट नंबर वन इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज फ्री एग्जिस्टेंस फ्री एग्जिस्टेंस होता है मतलब ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं ठीक है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पॉइंट नंबर टू मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एटम्स बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस ठीक है बाय केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मतलब आप डिवाइड कर सकते हो किसमें एटम्स में डिवाइड कर सकते हो मॉलिक्यूल को एक टर्म होता है एटोमिसिटी एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है ये समझो एटोमिसिटी का मतलब किसी एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट प्रेजेंट अ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने उसको क्या बोलते हैं एटोमिसिटी जैसे मैं यहां मॉलिक्यूल लिख रहा हूं और यहां बताना एटोमिसिटी क्या होगी तो स्टार्ट करते हैं जैसे अगर लिखा है H2 तो कितने एटम दिख रहे हैं यहां पर दो तो एटोमिसिटी टू एच टू एस फोर कितने दिख रहे हैं चार ये एक ये पांच और दो सात ठीक है ओ थ्री कितने आइटम है तीन तो इस तरीके से आप एटोमिसिटी निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल की मतलब नंबर ऑफ एटम उसमें कितने प्रेजेंट हो रहे यहाँ से पता चल जाता है एटम्स के नंबर ठीक है तो ये बात हो गई मॉलिक्यूल के बारे में आगे चलते हैं मॉलिकुलर मास मॉलिकुलर मास क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे मास ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिकुलर मास मौलिकुल। मौलिकुल। भाई जैसे हमने एटॉमिक मास लिखा था मास ऑफ वन एटम वैसे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे जैसे मैं यहां मॉलिक्यूल लिख रहा हूं ठीक है और अपन यहां लिखेंगे मोलिकुलर मास एम एम तो जैसे मॉलिक्यूल लिख रहा हूं सपोज मैं एच टू ठीक है तो मोलिकुलर मास क्या होगा इनका अलग अलग एटोमिक मास निकाल के सम कर तो दो एच है ना एक एच का एक दो एच के दो हो गए तो टू और किस में लिखोगे आप ए एम यू में ठीक है अगर आप इसको ग्राम में निकालना चाहते हो तो इसके बाद टू इंटू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर कर देना जो मैंने पीछे ही बताया आपको जैसे ओ थ्री का पूछे आपसे मोलिकुलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू थ्री कितना हो गया फोर्टी एट एम यू इस तरीके से के सी एल का मान लो पूछ ले तो के सी एल का क्या बोलोगे पोटेशियम का होता है कितना थर्टी नाइन और इसका थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो ये होता है सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव सम कर दोगे तो ए एम यू इसी तरीके से एच टू एस ओ फोर का निकाल सकते हो एक मॉलिक्यूल का दो प्लस थर्टी टू सल्फर का और सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर मतलब टोटल कितना आ गया 90 एट ए एम यू तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो अगर आपको मॉलिकुलर मास ग्राम में निकालना है तो आप एएमयू हटा के यहां पर उसको रिप्लेस कर दोगे ग्राम से तो कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी ए एमयू से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो मान लो के जी ने पूछा है तो इंटू उसमें टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन कर देना फिर है ना तो आप इस तरीके से चलोगे ठीक है नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं और अपना लास्ट बेसिक टर्म में लास्ट पर है ग्राम मॉलिकुलर मास ध्यान से समझना मैंने यह वाला इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे कनेक्ट करके हम ये समझा देंगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा ठीक है पहली बात तो ग्राम मॉलिकूल मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम बोलते हैं मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल वन मोल मॉलिक्यूल्स दोनों में डिफरेंस देखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल यह होता है यह है मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ठीक है तो वन मोल का मतलब कितने एने तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मास ऑफ एन ए मॉलिक्यूल्स या सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल ठीक है अब इसी को ही मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं ये एग्जांपल लिए हैं वही मैं यहां ले रहा हूं तो दोनों में क्लियर समझ में आ जाएगा देखना तो मैं क्या लिख रहा हूं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं यहां पर ठीक है फिर लिख रहा हूं मैं एमएम mm, मतलब मोलिकुलर मास ठीक है ये किस में लिख रहा हूं मैं एएमयू में ठीक है फिर मैं लिख रहा हूं जीएमएम ग्राम मॉलिकुलर मास हो ग्राम मॉलिकुलर मास किस में निकालते हैं ग्राम में ठीक है ये हम एएम में लिखते हैं और ये ग्राम में लिखते हैं ठीक है ध्यान एच टू ओ थ्री के सी एल और एच टू एस ओ फोर इसका आपने एमएम mm निकाल रखा है ए एमयू में ये सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टू फोर्टी एट सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव ये ए एमयू में सारे ठीक है और नाइनटी एट अब जरा ध्यान देना आप ठीक है यहां से स्टार्ट करने वाले हैं ये जो मैंने मोलिकुलर मास निकाला ये किस में है एएमयू में है अब मुझे करना क्या है पहले ए को ग्राम में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम सही है सभी में ऐसा ही करेंगे फिर अगर मुझे ग्राम मॉलिकुलर मास निकालना है तो वन मोल के लिए निकालना है तो फिर उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे एन से एवोगेटोर नंबर से और वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी थ्री इंटूगेटर नंबर वन होता है तो सीधा सीधा मैं यहां पर ये यह लिख दूंगा कि जो यहां पर ए एमयू में आपने लिखा है वही यहां पर ग्राम में आ जाएगा तो टू फोर्टी एट सेवेंटी फोर को मैं सॉल्व करके बता देता हूं तो समझ में आ जाएगा कैसे मोलिकुलर मास अपना क्या था टू ए एमयू तो ध्यान से देखना मोलिकुलर मास इन ग्राम ये मैं किसके लिए सॉल्व करके बता रहा हूं आपको एच टू के लिए ठीक है एच टू एक का एग्जाम्पल समझाता हूं मोलिकुलर मास इन ग्राम कितना हो जाएगा टू इन टू 1.66 पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम सही बात है अब इसके बाद ग्राम मोलिकुलर मास ठीक है और ये तो वैसे भी ग्राम में ही होता है ठीक है ग्राम मोलिकुलर मास ब्रैकेट में लिख दो पावर माइनस ट्वेंटी फोर और इंटू कर देंगे अवो गो नंबर से और इतना पार्ट कितना इतना पार्ट होता है आपका वन तो टू ग्राम आ जाएगा तो वही लिखा मैंने ऐसा ठीक है तो जो आपका मोलिकुलर मास यू में होता है उसी को हम सीधे रिप्लेस कर सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास किसमें ग्राम में ठीक है तो ग्राम मोलिकुलर मास इस तरीके से हम निकालते हैं समझ गया बात को दोनों में डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया नोट कर लो इसको चलो तो जैसा कि हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख ली बहुत जरूरी थी वो पढ़ना हमारे लिए अब हम स्टार्ट करते हैं मोल्स कैलकुलेशन यहां से ठीक है मोल के बारे में हम डिफाइन कर चुके हैं क्या होता है ए नंबर ऑफ एंटिटीज मतलब एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस इसको हम क्या बोलते हैं वन मोल ठीक मतलब मोल एक तरीके से नंबर है एक क्वांटिटी की है ठीक है तो कैलकुलेशन ऑफ मोल मैं अलग अलग केसेस बना रहा हूं मैं केस वन केस नंबर वन क्या है इफ वेट इज गिवन अगर आपको वेट गिवन हो तो मोल कैसे निकालते हैं वेट गिवन हो तो मोल हम ऐसे निकालते हैं कि मोल्स इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय अगर एटम हुआ तो ग्राम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल हुआ तो ग्राम मोलिकुलर वेट ठीक है ग्राम मोलर मास को हम ग्राम मोलिकुलर मास को हम ग्राम मोलर मास के नाम से भी जानते हैं ठीक है ठीके? तो मैं यहां लिख रहा हूं वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास अगर मॉलिक्यूल हुआ तो ग्राम मॉलिकुलर मास ठीक है ये रखना है आपको यहां पर ठीक तो ध्यान से देखना जरा मैं इसको एक काम करता हूं इसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूं मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं कैसे मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे किससे करेंगे स्मॉल एन से वेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे ठीक है और ग्राम एटॉमिक वेट इसको जी ए एम ठीक है ये तो मैंने पहले इसी शॉर्ट में लिखा है और हम क्या लिखेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास या मोलर मास ठीक है अब इसमें क्वेश्चन आपसे दो टाइप के पूछ सकते हैं क्या वेट दे के मोल निकलवा लें और मोल दे वेट निकलवा लें ठीक है एटम होगा तो जीएम रख देना ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल होगा तो ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास ठीक है मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता रहा हूं न्यूमेरिकल से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा आपको देखो फाइंड द मोल्स फाइन दी नाइन वेट ग्राम में दिया है H2SO4 क्या है एक मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास हमें रखना पड़ेगा मतलब एन इज इक्वल टू डब्लू डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास तो वेट कितना है फोर्टी नाइन और एस टू एसओ फोर का ग्राम मोलिकुलर मास निकालना मैंने बताया था कैसे निकालना है आपको ग्राम में इसके सबका एटॉमिक मास का आप क्या करो सम कर दो तो ये कितना है हाइड्रोजन का एक होता है तो एक इंटू दो प्लस थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इंटू फोर तो टोटल कितना नाइनटी एट और फोर्टी नाइन बाय नाइनटी एट कितना होता है वन बाई टू ठीक है बहुत ईजी है एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि मोल दे के वेट निकलवा लें तो बोल रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑफ थ्री मोल्स ऑफ यूरिया ग्राम में निकालेंगे अपन है ना यूरिया होता है नाच दो सीओ नाच दो इस तरीके से एन एच टू सीओ एन एच टू ऐसे आप याद रख सकते हो तो आप क्या करो यही फॉर्मूला लगाओ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास अब यहां पर मोल दिया उन्होंने तो थ्री वेट निकालना है ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा इन सबके एटॉमिक मास का सम कर दो तो इसका निकालोगे तो, तो टोटल सिक्सटी आता है ये ठीक है आप निकाल के देख लेना सबके एटॉमिक वेट का सम तो W बाई सिक्सटी तो W कितना आ गया 180 ग्राम तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करने हैं बहुत आसान है ठीक है नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे चलते हैं केस नंबर टू केस नंबर टू क्या है इफ नंबर ऑफ इफ नंबर ऑफ एंटिटीज आर गिवन एंटिटीज में मैंने आपको बताया था क्या आता है एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इटीसी ठीक है इनको अपन क्या बोलते हैं एंटिटीज तो अगर नंबर ऑफ एंटिटी गिवन हो तो कैसे लिखना है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय अवोगेड्रो नंबर डिवाइडेड बाय अवोगेड्रोज नंबर इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन किसको लिख रहा हूं नंबर ऑफ एंटिटी को और अवोगेड्रो नंबर एन एन ए क्या होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल से क्लियर समझ में आएगा फाइंड द मोल्स ऑफ थ्री इंटू टेन के बाद ट्वेंटी टू एटम्स ऑफ एन ध्यान से देखना तो ये जो आ गया ये क्या दिया है आपको कैपिटल एन ठीक है तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन सीधा लगाओ स्मॉल एन कितना है थ्री इन टेन की पावर ट्वेंटी टू और एन ए क्या होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू लेकिन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू को सिक्स लिख दो इन टेन की पावर क्या ट्वेंटी थ्री ठीक है ये काट दो और टेन की पावर ट्वेंटी टू से ट्वेंटी थ्री टेन यहाँ आ गया तो वन बाय ट्वेंटी आ जाएगा सीधा बहुत आसान है बस सीधा फॉर्मूला लगाना है

तो कैपिटल एन यहां से क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वन पॉइंट फाइव एन ए अब यहां एन ए से मल्टीप्लाई कर दू तो वन पॉइंट फाइव को एक काम करता हूं इसको लिख देता हूं थ्री बाई टू और एन ए लिख रहा हूं सिक्स इंटू टेन की बार ट्वेंटी थ्री अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए तो दो से कट जाएगा तीन बार तीन इंटू तीन नो नाइन इंटू टेन की बार ट्वेंटी थ्री ऐसा अगर आपसे ध्यान से सुनो अगर आपसे इसी में इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूल की जगह एटम्स पूछते तो हम करते कैसे एटम्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल तक तो आपने निकाल लिया अब एटम अगर निकालना है तो मॉलिक्यूल जो निकाले उसमें से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो अगर मुझसे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स पूछे नंबर ऑफ एटम्स अगर इस क्वेश्चन में पूछते तो उसके लिए हम ये लगाते फॉर्मूला क्या कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपने निकाला अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनटू कर देते इसमें किससे एटोमिसिटी से बताओ जरा रहा ग्लूकोज की एटोमिसिटी कितनी है कितने एटम है छह और छह बारह और बारह चौबीस ठीक है तो नंबर ऑफ एटम्स यहां आ जाते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन इंटू ट्वेंटी थ्री और इंटू एटोमिटी कितना ट्वेंटी फोर तो ध्यान रखना ये ठीक है यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको कि अगर मॉलिक्यूल में आपसे एटम पूछते तो हम क्या करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकालना ही थे और उसमें एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते तो नंबर ऑफ एटम आ जाते आपके ठीक है नोट कर लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे चलते हैं तीसरे नंबर पर है हमारा केस थ्री अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो कैसे करना है ध्यान से देखना जरा इफ वॉल्यूम इफ वॉल्यूम इज गिवन एट एस टीपी और एनटीपी एक्चुअल में तीन चीजें होती हैं। एक होती है एस एक एनटीपी और एक एस क्या मतलब होता है इन सब का ध्यान से देख लो एक बार बता देता हूं एस का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यहां पर प्रेशर पी जो होता है वो होता है वन बार और जो टेम्परेचर है वो टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव लेकिन अपन टू सेवेंटी थ्री लेके अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करेंगे तो पी होता है वन बार और टेम्परेचर होता है टू सेवेंटी और जो वॉल्यूम होता है यहां पर वो होता है 22.7 टू पॉइंट सेवन लीटर्स ठीक है और दूसरी कंडीशन है अपनी क्या एन टी पी एन टी पी का मतलब क्या होता है नॉर्मल एन टी पी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इसका मतलब क्या है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो प्रेशर होगा वो होगा वन ए टी एम वन एम और जो टेम्परेचर है वो होगा टू सेवेंटी थ्री के ठीक है और जो वॉल्यूम होता है वो होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स ये एन का हो गया एक होता है एस ए टी पी एस ए टी पी इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टैंडर्ड एम्बी टेम्परेचर एंड प्रेशर यहां पर जो पी होता है वो होता है वन बार ये कंडीशन याद रखनी पड़ती है आपको टी जो होगा वो टू नाइनटी एट पॉइंट वन फाइव लेकिन हम उसको टू नाइनटी एट लिखेंगे और जो वॉल्यूम है वो होता है ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स लीटर्स ठीक है तो ये प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम होते हैं कहां पर एस टी पी एन टी पी और एस ए टी पी पर लेकिन अगर आपको वॉल्यूम जो निकलवाते हैं वो क्वेश्चन में तो यही मिलेगा एस टी पी एन टी पी एस एटी पी वाला तो नहीं मिलेगा आपको है ना यहां पर मोल कॉन्सेप्ट में ये कैसे स्टेट में मिल सकता है तो इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है इधर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4 लगाते हैं हम हम इन दोनों को नियरली सेम मान के सॉल्व कर देते हैं ठीक है तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर लेकिन कहां पर एस या एनडीपी पर ये वॉल्यूम दे रखा होगा और डिवाइड करना है किससे ट्वेंटी से सीधा सा है ट्वेंटी लीटर जो वॉल्यूम है वो एक मोल गैस का होता है सीधा सा है तो मैंने ऐसे ही निकाले मोल्स अब क्वेश्चन से समझ लो देखो मोल कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी चीज होती है वो होते हैं क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको पूरे चैप्टर में बहुत सारे सॉल्व करके बताऊंगा क्वेश्चन से ही आप बहुत सारी चीजें सीखोगे ध्यान से देखना ज़रा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द मोल्स ऑफ 11.2 लीटर मोल्स ऑफ 11.2 इलेवन पॉइंट टू है तो मोल्स इज इक्वल टू क्या लगाएंगे वॉल्यूम एट एस टी पी इलेवन पॉइंटेड बाई क्या करना है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर सीधा सीधा डिवाइड कर दो वन बाई टू मोल्स आ गए बहुत आसान है अगला देखो आपको वॉल्यूम निकालना है एन टी पी पर किसका दो मोल का तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू पॉइंट फोर और मोल यहाँ दे रखे तो एन की जगह मैं क्या रख दूँ दो रख दू तो वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा एड एनडीपी कितना फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर तो बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बस सीधे सीधे फॉर्मले लगाना अब हम एक काम करने वाले हैं मैंने जो आपको तीनों केसेस बताए वेट गिवन हो तो मोल निकालना नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन हो तो मोल निकालना और वॉल्यूम गिवन हो तो मोल निकालना इसको हम एक चार्ट से याद रखते हैं मतलब एक तरीके से मैप होता है जिसको हम बोलते हैं वाई मैप तो मैं एक डायग्राम से आपको याद करने का तरीका बता देता हूं और ये डायग्राम बहुत अच्छे से आप याद रखना ठीक है तो पहले ये नोट कर लो फिर मैं आपको वाई मैप बना के बता रहा हूं किस तरीके से चीजों को याद रखोगे आप चलो तो आगे बढ़ते हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा था वाई मैप का तो वाई मैप बोलते हैं इसको अपन क्या कर रहे हैं जितने भी हमने केसेस पड़े पीछे तीनों उसको हम एक साथ याद करने का तरीका बताते हैं इसको वाई जैसे शेप का बना है इसलिए वाई मैप बोलते हैं इसको देखो ध्यान से अगर आपको वेट के बन हो याद करो पहला केस अगर आपको वेट से मोल पर जाना हो दो एरो बना रखे मैंने वेट से मोल मतलब इस तरफ जाना हो तो वेट से मोल पे जाना हो तो हम डिवाइड करते हैं अगर एटम हुआ तो एटमिक वेट और मॉलिक्यूल हुआ तो मोलिकुलर वेट ठीक है अगर आपको मोल से वेट पर आना हो तो हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई अगर एटम हुआ तो एटमिक वेट और मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिकुलर वेट ठीक है या तो आप ये लगाओगे या ये लगाओगे एटम के, के लिए ये लगाओगे और मॉलिक्यूल के लिए ये लगाओगे ठीक है वेट से मोल और मोल से वेट पर आना है तो ऐसा हो गया दूसरा केस था कि नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन हो आपको ठीक है मतलब नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस जिसको मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एंटिटीज अगर नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन हो तो अगर आपको नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल पर जाना है मोल मतलब स्मॉल n ठीक है तो हम क्या करते थे डिवाइड करते थे किससे एवोगाड्रो नंबर से आप उस तरफ से इस तरफ आ रहे हो क्लियर अगर मोल से वहां जाना है मतलब इस तरफ जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे अब नंबर मतलब टू अगर यह वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है एस टी पी या फिर एन टी पी अगर ये गिवन है और इससे आप कहां जा रहे हो मोल्स पे तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड किससे वॉल्यूम को डिवाइड कर दो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से और उल्टा आना है इस तरफ तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर से तो ये जो पीछे हमने फॉर्मले लिखे ना वो पूरा का पूरा इसी चार्ट में ठीक है तो आप ये चार्ट अच्छे से नोट करेंगे और इसको एक पेज में लिख के जो भी आपकी स्टडी रूम है वहां पे सामने चिपकाएंगे ठीक है आराम से आपको दो चार दिन में याद हो जाएगा तो जो भी हमारे फॉर्मुले थे उसको हमने एक मैप से याद किया जिसको क्या बोलते हैं अपन वाई मैप ठीक नोट कर लो अब मैं आपको मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन करके बताता हूँ कितने टाइप के और वेरिएशन हो सकते हैं मेन फोकस फिर बोल रहा हूं मैं मेन फोकस आपको रखना है क्वेश्चंस पर जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा देखो पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही अपने आप में खतरनाक चैप्टर माना जाता है क्योंकि लोग क्या है क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं इसमें तो क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करना है मुझे भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझाना है और आपको तो करना ही पड़ेगा सॉल्व ठीक है तो बहुत ध्यान से आप देखते जाना ठीक है इसको नोट कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं चलो तो आगे बढ़ते हैं आप कुछ क्वेश्चन देख लो जरा मैंने आपको जो वाई में बताया उसका यूज करके हम इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ध्यान से देखना जरा पहला क्वेश्चन क्या करें फाइंड वेट ऑफ थ्री ग्राम एटम्स ऑफ सल्फर बहुत ध्यान से ये चीजें जो टर्म में लिख रहा हूं वो लिखते जाना आप ये जो ग्राम एटम होता है ना ग्राम एटम इस ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स अगर लिखा है ग्राम एटम्स तो मोल्स ऑफ एटम ग्राम मॉलिक्यूल तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल और ग्राम आयन मतलब मोल्स ऑफ आयन ध्यान रखना ये ठीक है थीके? तो ग्राम एटम ग्राम और ग्राम आयन ये एक्चुअल में क्या होते हैं मोल्स होते हैं तो मुझे मोल पता है कितने हैं अब मुझे वेट निकालना है बहुत आसान है 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 इक्वल टू क्या होता वेट अपॉन एटम है तो एटोमिक वेट मोल कितने दे रखे हैं थ्री वेट निकालना है एटमिक वेट सल्फर का याद कर लो थर्टी टू होता है इन टू थ्री कर दो नाइनटी सिक्स आ जाएगा इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बहुत ध्यान से देखते जाना आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ग्राम तो मुझे वेट पता है किसका ओथ्री का कितना है सिक्सटीन ग्राम है अब ओथ्री तो एक मॉलिक्यूल है ना तो पहले मैं क्या करने वाला हूं इसके मॉलिक्यूल निकालने वाला हूँ और मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल से अगर एटम पे जाना है तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है बस तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूं कैपिटल एन ठीक है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे पहली बात वेट से मोल निकालो और मोल mole से मॉलिक्यूल निकालो तो आप याद करो मोल इज इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन ए तो मैं एक काम करता हूं इसको ऐसे लगा रहा हूं फॉर्मूला देखो ये जो फॉर्मूला है ना मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए तो सिर्फ इन दोनों को बराबर कर दो आप ठीक तो वेट कितना है सिक्सटीन मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा सिक्सटीन टू थ्री फोर्टी एट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन ए तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन आ जाएंगे आपके एन ए डिवाइडेड बाय इसको कैंसिल कर दो ये थ्री टाइम्स हो जाएगा तो एन ए बाय थ्री लेकिन ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आते हैं नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इनटू तो O3 की क्या है कितने एटम दिख रहे हैं आपको तीन तो इनटू तीन तीन से तीन कट गया मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए तो इस तरीके से करना क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखते जाना ठीक है पहले बोल रहा हूं मैं मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना आपको थ्योरी तो इसकी लिमिटेड है लेकिन क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत ज्यादा है अगला देखना क्वेश्चन नंबर थ्री कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम

तो मैं क्या कर रहा हूं वेट ऑफ सोडियम अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्सियम अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कैल्सियम कर सकता हूं ना भाई नंबर ऑफ एटम सेम है तो मोल सेम है मोल सेम है मतलब वेट अपॉन एटॉमिक वेट सेम है तो वेट ऑफ एन ए कितना है सोडियम का वेट कितना है आपका निकालना है तो डब्लू मान लेते हैं एटॉमिक वेट सोडियम का कितना होता है ट्वेंटी थ्री वेट ऑफ कैल्शियम कितना है फोर ग्राम और एटॉमिक वेट इसका कितना होता है फोर्टी फोर बाय फोर्टी तो वन बाय टेन हो गया ट्वेंटी थ्री उधर जाएगा तो ट्वेंटी इस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है समझ रहे हो बात को आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? तो पहली बात तो ये आपको पता ये मॉलिक्यूल है अगर मॉलिक्यूल है तो मुझे ये बताओ कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते कैसे वेट दिया है तो मैं एक काम करता हूं पहले इसके ऑक्सैलिक्रेट के मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं कैसे ये वाला फॉर्मला लगा के ध्यान से देखना ठीक है तो वेट कितना दिया है टू फिफ्टी टू मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया अपॉन मॉलिकुलर वेट यहां एटम थे तो एटमिक वेट यहां ये मॉलिक्यूल है तो तो वेट वेट का निकाल लो कैसे निकालोगे प्लस ट्वेल्व इंटू टू सिक्सटी इंटू फोर प्लस टू इंटू एटीन पूरे का ठीक तो टोटल करोगे तो ये वन ट्वेंटी सिक्स आता है आप निकाल के देख सकते हो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवेड्रो नंबर ठीक तो इससे ये कैंसिल हो गया टू टाइम्स तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए यहां से टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इन टू एन अब मुझे ये तो पूरे मॉलिक्यूल आए ना ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सैलिकाइहाइड्रेट के मॉलिक्यूल आए मुझे चाहिए किसके हैं वाटर के चाहिए ना तो मुझे एक मॉलिक्यूल में दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो इतने में कितने होंगे इंटू टू कर दूं तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देखो एक मॉलिक्यूल में तो दो थे ना ये डॉट टू एस टू लिखा है ना तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री इंटू एन ए पुट कर रहा हूं और इंटू टू कर दूंगा इंटू टू लास्ट में ध्यान से है ना तो छह का डबल बारह का डबल चौबीस तो चौबीस इंटू टेन की पावर ट्वेंटी ये इसका आंसर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप में अप्लाई करना है नोट करो फिर मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, इसके मोल कॉन्सेप्ट के फिर बोल रहा हूँ नोट करो इसको चलो आगे बढ़ते हैं दो तीन क्वेश्चन और देख लो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे मोल के कॉन्सेप्ट मोल uh, के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में देखो अल सी टू एच सिक्स द सेम मास एज मासन की पावर माइनस सॉरी टेन की पावर टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एच फोर फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सी टू एच सिक्स पहली बात ये कि आप देखो आपको क्या दे रखा है यहां पर ये इस पे ध्यान देना सेम मास मतलब इसका और इसका मास सेम है मुझे एक बात बताओ मोल इज इक्वल टू क्या होता है तो ये हम जानते हैं मोल का फॉर्मूला ठीक अब अगर मास सेम है तो एन तो हमें पता है कॉन्स्टेंट होता है तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मोलिकुलर वेट मतलब मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं इसको वन बोलता हूं तो एन वन अपॉन इसको टू बोलता हूं एन टू इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट प्रोपोर्शनल है ना अपॉन मॉलिकुलर वेट वन ऐसे लगा सकता हूं मैं सही बात है अब ध्यान से देखना इसके मॉलिक्यूल किसके सी टू एच सिक्स के मुझे निकालने हैं तो एन वन निकालना है और एन टू दे रखा है टेन की पावर क्या टेन मोलिकुलर वेट टू मतलब सी एच फोर का कितना 16 होता है 12 प्लस 4, और और का 12 into 2 plus 6, 30 हो जाएगा तो N1 आ जाएगा तो तो आ आ आपका आपका ये होगा डिवाइड करके देखोगे की तो, की पावर 10, मतलब आपका आ गया 10 की पावर मतलब आंसर गया इस तरीके से सॉल्व करना बहुत ध्यान से देख लो आप ठीक है आगे अगला क्वेश्चन कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर एट एस टी पी ऑफ ट्वेंटी ग्राम एच टू तो वेट दे रखा है कितना ट्वेंटी ग्राम तो मुझे मोल्स बता दो कितने आ जाएंगे ट्वेंटी बाई टू मतलब टेन मोल्स और मोल दिया है वॉल्यूम निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वॉल्यूम इन लीटर्स तो वॉल्यूम इन लीटर्स आ जाएगा टेन इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर मतलब टू टू फोर लीटर्स इस तरीके से सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ध्यान से देखना फ्रॉम टू फिफ्टी सिक्स ग्राम ऑफ एसो टू इतने मॉलिक्यूल ऑफ एसो टू आर रिमूव्ड देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट ओवर SO2 मतलब आपके पास इतने ग्राम SO2 था उसमें से आपने इतने मॉलिक्यूल हटा दिए तो कुछ बचे होंगे मॉलिक्यूल उसके आपको वॉल्यूम बताना है मतलब हम कैसे करेंगे मैं मोल से चलूंगा कैसे इसको मैं बोल रहा हूं n1 तो n1 इसके लिए मोल कैसे निकलेंगे 256 डिवाइडेड बाय SO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 64 32 प्लस 16 2 तो ये आएगा 4 डिवाइड करके देखोगे तो इसके लिए इतने मॉलिक्यूल के लिए मोल निकाल रहा हूं आप क्या करो ये बस ये पॉइंट हटा दो तो यहां से पॉइंट हटाओगे तो बारह बचेगा और यहां छह तो ये टू टाइम्स हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं टू टाइम्स और इसका पॉइंट हटा के नीचे टेन आ जाएगा सही है और ये टेन की पावर ट्वेंटी थ्री और जीरो ट्वेंटी फोर और ऊपर से ट्वेंटी फोर ठीक है कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो तो ये टू आएगा तो नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट लेफ्ट नंबर ऑफ मोल्स मोल्स ओवर कितने बचेंगे चार पहले थे दो हटा दिए कितने बचे दो तो इस मोल का वॉल्यूम निकालना है तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो टू इज इक्वल टू वी अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो वॉल्यूम आ गया 44.8 फोर तो आप देख लो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ठीक है तो मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं तो आप मोल के कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के होंगे मॉलिक्यूल देके के आइटम पूछ लेंगे वॉल्यूम देके मॉलिक्यूल पूछ लेंगे वेट देके मॉलिक्यूल पूछ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने किए हैं यहाँ पे ठीक है इसको नोट करो फिर अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर बच्चों अगला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी डेंसिटी के बारे में समझेंगे सारी चीजें ठीक है तो डेंसिटी के बारे में लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप दो टाइप की डेंसिटी हम बोलते हैं नंबर वन इज एब्सोल्यूट डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड नंबर टू इज रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेंसिटी में क्या क्या चीजें हैं ध्यान से देखना जरा हम डिफाइन करेंगे सॉलिड के लिए लिक्विड के लिए और गैस के लिए जिसमें से सॉलिड और लिक्विड का सेम होता है गैस का अलग टाइप से निकालते हैं तो मैं लिख रहा हूं सबसे पहले केस वन केस वन फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ठीक है इसके लिए मैं नंबर वन लिख रहा हूं क्या एब्सोल्यूट डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी तो जो आप बचपन से डेंसिटी पढ़ते हो ना उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी डी कैसे लिखते थे डेंसिटी याद करो मास डिवाइडेड बाय क्या वॉल्यूम तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया आपका डेंसिटी ठीक कौन सी वाली एब्सोल्यूट डेंसिटी सेकेंड नंबर पर अगर आप डिफाइन करोगे रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी ठीक है एब्सोल्यूट डेंसिटी को हम ए डी लिख सकते हैं या स्मॉल डी रिलेटिव डेंसिटी को आर डी लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड और डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड होता है वन ठीक है वन ग्राम पर एम या वन ग्राम पर सी 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 मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर और एम बराबर बात होती है ठीक है तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी तो ध्यान रखना इसकी तो यूनिट होती है किसकी एब्सोल्यूट डेंसिटी को और बाय डिफॉल्ट ग्राम पर एम या फिर सीसी लिख सकते हो क्यूबिक सेंटीमीटर जबकि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ध्यान रखना रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक तरीके से क्या है डेंसिटी का ही तो है मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको एक और नाम बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ध्यान रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है रिलेटिव डेंसिटी ही है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है एप्सोल्यू डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड और ये वन होता है इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं सिर्फ सीधा सीधा एप्सल्यू डेंसिटी लिख दूंगा बस यहां को यूनिट मत लिखना जैसे अगर आपसे बोले किसी सब्सटेंस के लिए एप्सोल्यूट डेंसिटी है टू ग्राम पर सीसी तो व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी तो सिर्फ टू बोलोगे आप ठीक है ग्राम पर सीसी मत बोलना ठीक है अब इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे बहुत छोटे से न्यूमेरिकल है ध्यान से देख लो फाइन डेंसिटी ऑफ टेन ग्राम एच एन ओ थ्री इन फिफ्टी एम एल सोल्यूशन ठीक है अब डेंसिटी लिखा है तो हम कौन सी डेंसिटी निकालेंगे यहां पर Absolute density. तो डेंसिटी या फिर दिया मैंने. तो ये हो गया by five, ग्राम पर ml या फिर ग्राम पर सी -सी बोलो आप सीधा सा है. नंबर टू देखो ध्यान से फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्राम यूरिया इन हंड्रेड एम एल सोल्यूशन ठीक है तो स्पेसिफिक uh, ग्रेविटी मतलब एस जी लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये क्या होता है एक तरीके से एप्सोल्यू डेंसिटी ही होता है बस और हो, क्या? तो आ गया, मतलब कितना लिख दू मैं टू यूनिट मत लिखना तो इस तरीके से हम डेंसिटी का लिख चुके हैं कौन सा केस है पहला सॉलिड लिक्विड का नोट करो फिर अपन गैस पे चलते हैं चलो तो आगे बढ़ते सेकंड केस है हमारा फॉर गैसेस ठीक है ध्यान से देखना इसमें भी पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूँ ए डी एब्सोल्यूट डेंसिटी ठीक है जिसको अपन डी बोलते हैं तो गैसेस के लिए डेंसिटी निकलता है डी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी से अब ये यहाँ पर क्या क्या, क्या चीज़ें हैं पी होता है प्रेशर और प्रेशर आपको किस में रखना है ए टी एम एटमोस्फेरिक यूनिट होती है प्रेशर की ठीक है एम होता है मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस ठीक है जिसको हम मोलर मास के फॉर्म में रखते हैं आर होता है गैस कॉन्स्टेंट और गैस कांस्टेंट जो होता है वो होता है पॉइंट जीरो एट टू वन लीटर एटीएम पर मोल कैलविन इसकी यूनिट होती है जिसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली वन बाई ट्वेल्व लिखा जा सकता है और टी होता है टेम्परेचर और टेम्परेचर किस में होता है कैलविन में ठीक है तो ये हो गया एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला सेकेंड नंबर पर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे आर तो रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं पहले हम ये लिखेंगे हम लिखेंगे डेंसिटी डेंसिटी ऑफ वन गैस डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू अनदर गैस विद रेस्पेक्ट टू अनदर गैस एट सेम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखोगे ध्यान से देखना जरा डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू अनदर हम ऐसे लिख रहे हैं देखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रेस्पेक्ट टू सेकंड गैस और मैं इसको लिख रहा हूँ पी एम बाई आर टी ठीक है और यहां पर एम वन लिख रहा हूं मैं ठीक है प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और डी टू लिख रहा हूँ पी एम टू बाई आर टी सही बात है अब यहां से आर टी आर टी कट गया पीपी कट गया क्यों पी ओ टी तो सेम है और आर बचपन से ही कॉन्स्टेंट होता है तो ये आ गया एम वन बाई एम टू मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ टू गैसेस ठीक है तो आर डी का फॉर्मूला क्या बना आपका मॉलिकुलर वेट ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू अनदर मॉलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड सीधा सीधा कोई यूनिट नहीं होती रिलेटिव डेंसिटी की ध्यान रखना क्योंकि ये रेशियो होता है एक तरीके से थर्ड नंबर पे चलेंगे एक और इसमें डेंसिटी आती है जैसे ये दोनों तो हैं ही लेकिन गैस के लिए एक डेंसिटी और डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी और वेपर डेंसिटी होता है जो दूसरी वाली गैस है ना दूसरी वाली गैस को मैं हाइड्रोजन बना दू दूसरी गैस क्या बन जाए हाइड्रोजन तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं वेपर डेंसिटी तो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ देखना डेंसिटी ऑफ गैस डेंसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू एच टू गैस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर बोला जाए मतलब सीधे सीधी कहानी यह है कि आर डी वीडी बन जाएगा कब जब मॉलिकुलर वेट टू मतलब हाइड्रोजन का रख दो कितना होता है टू तो सीधा सीधा लिखेंगे वेपर डेंसिटी वीडी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस वन और दूसरी वाली गैस क्या बन जाए एच टू जिसका मॉलिकुलर वेट क्या रखना पड़ेगा टू ठीक है

क्या आएगा पी एम बाई आर टी प्रेसर किस में रखना है ए टी एम में दे रखा है कितना टू मॉलिकुलर वेट बता दो एस ओ टू का सिक्सटी फोर होता है और आर रख रहा हूँ वन बाई ट्वेल्व और टेम्परेचर फोर एट्टी का ठीक है इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा क्या करें बारह से काट देते हैं ये हो गया फोर्टी टाइम्स हो गया और फोर से ये टेन टाइम्स और फोर से ये सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू बाई टेन मतलब आ गया कितना थ्री पॉइंट टू अब यूनिट की बात आती है तो ग्राम पर लीटर ध्यान देना जरा क्योंकि आपने आर की यूनिट लीटर ए पर मोल के एलेवन में रखी तो ये ग्राम पर लीटर में आएगी तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो गैस की होती है वो ग्राम पर लीटर में आती है बाय डिफॉल्ट ठीक है उसकी किस में आती थी सॉलिड लिक्विड की ग्राम पर एमएल या सीसी में ठीक अगला क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है एसओ टू की विद, विद रेस्पेक्ट टू मीथेन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर तो रिलेटिव डेंसिटी आर डी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ वन गैस डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सेकंड गैस एसओ टू का मॉलिकुलर वेट सिक्सटी फोर और सी एच फोर का सिक्सटीन सॉल्व कर लो इसको छः से छः उड़ा दो आंसर आ जाएगा आपका ठीक है मैं कर रहा हूँ सिक्सटीन सिक्सटी फोर बाई सिक्सटीन फोर होता है ठीक आगे बढ़ते हैं फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ ओ टू ओ टू की वेपर डेंसिटी निकाल ली है तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू सीधा सीधा होता है एम बाई टू और मॉलिकुलर वेट कितना है थर्टी टू बाई टू कितना हो गया अब यहाँ टू से टू में तो उड़ा देना है ना थर्टी टू बाई टू कितना हो गया सिक्सटी ये तो ऐसे ही हो गया बाई डिफॉल्ट छ चे और छः कट गया है ना यहाँ मत ऐसे दो से दो उड़ा देना कहोगे सर तीन आंसर क्योंकि आपने यहाँ छः से छः काटा है

तो परसेंटेज वेट का रेशियो एक तरीके से ही है, तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना जरा इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट तो ये हम क्या लिखते हैं ये होता है मास ऑफ एलिमेंट मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन मोल कंपाउंड और परसेंटेज लिख रहे हो तो यहां इनटू कर देना हंड्रेड सीधा सीधा फॉर्मूला जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताऊं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर वाटर में आपको दोनों का परसेंटेज लिखना और जब भी परसेंटेज हम लिखते हैं कॉम्पोजिशन में परसेंटेज वेट बाई वेट होता है तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं तो परसेंटेज हाइड्रोजन लिख रहा हूं देखना क्या फॉर्मूला लिखा मास ऑफ एलिमेंट इन वन मोल कंपाउंड तो H2O का एक मोल है तो कितना मास होगा इसका बताओ हाइड्रोजन का एक होता है मास पर, के में हम ले लेंगे, तो हाइड्रोजन का एक होता है कितना होता है 16, तो टू तो सीधी कहानी है ठीक है बाकी सॉल्व कर ही परसेंटेज ऑक्सीजन लिखना है तो कैसे लिखोगे ऑक्सीजन का वेट कितना है सिक्सटीन अपॉन टोटल वेट कितना है मॉलिकुलर वेट एट्टीन इंटू हंड्रेड तो सीधा सा आपको ये करना है कि एटोमिक वेट लिखो इंटू नंबर ऑफ एटम लिखो डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट कर दो वही यही कहानी एटोमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट सीधा सीधा ठीक है तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ और जैसे एक तो ये हो गया एक और बता रहा हूँ परसेंटेज कैल्शियम क्या लिखना है एटोमिक वेट कैल्शियम का एटोमिक वेट कितना है फोर्टी कितने कैल्शियम है एक

फोर्टी एट परसेंट हो गया इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नोट कर लो इसको चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये वाले ठीक है और इजी भी होते हैं बस समझ लो करना क्या है आपको मेन है आपको फिर बोल रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं क्वेश्चन पर ध्यान देना पूरे चैप्टर में पूरे मोल कॉन्सेप्ट में जितने क्वेश्चन में कराऊंगा वो कभी ना कभी आपकी जिंदगी में जरूर आएंगे ठीक है तो इसलिए सारे क्वेश्चन एक एक करके ध्यान से देखते जाओ इंसुलिन कंटेंस 3.4 परसेंट ऑफ सल्फर परसेंटेज का मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट ठीक है फाइंड मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन तो पहला काम यह है कि इस परसेंटेज वाले टर्म को आपको ओपन करना आना चाहिए और इसको हम ओपन करके ऐसे लिखते हैं कभी भी लिखाओ ना एक्स परसेंट तो इसका मतलब होता है एक्स ग्राम वो पर्टिकुलर एलिमेंट इन हंड्रेड ग्राम ऑफ पूरा कंपाउंड ठीक है तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं थ्री पॉइंट फोर परसेंट वेट बाय वेट होता है ये है ना वेट बाय वेट तो इसको ओपन करके हम ऐसे लिखते हैं कि 3.4 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड मतलब यहां पर क्या है इंसुलिन ऐसा और आपसे बोला गया मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन चाहिए तो हम क्या करेंगे हम ये मान लेंगे एटलीस्ट एक मोल तो प्रेजेंट होगा इसका मतलब हम इसके और इसके मोल बराबर कर देंगे तो देखो जरा इसके मोल कितने आएंगे 3.4 वेट दिया है अपॉन सल्फर का एटॉमिक वेट है 32 इसके मोल हो गए ज इक्वल टू हंड्रेड इसका वेट दिया है और इसका मॉलिकुलर वेट आपको निकालना है तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा प्रोसेस समझ लो क्या लगाई हमने है ना इसको सॉल्व करोगे तो नाइन फोर्टी वन के आस पास शायद ठीक है तो ये आ गया इसका आंसर समझ गए बात को कैसे ओपन करना है एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूं मैं ध्यान से देखो कैफीन कंटेंस ट्वेंटी बाय मास नाइट्रोजन देखो यहां लिख दिया यहाँ नहीं लिखा था तो आपको पहले से ही अंडरस्टूड है यहां पर कि वेट बाय वेट है ठीक है नंबर ऑफ 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 नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल कैफीन कैफीन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है नाइट्रोजन के ध्यान से, से लिख देता हूं ठीक है मतलब इतना ग्राम नाइट्रोजन है हंड्रेड ग्राम कैफीन में तो अब मैं क्या करने वाला हूं वेट दिया है तो यहां से नंबर ऑफ एटम निकाल लूंगा और इसका वेट दिया तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लूंगा ये एटम है तो एटम निकालने पड़ेंगे मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल निकालने पड़ेंगे तो मेरे पास एटम आ जाएंगे मॉलिक्यूल आ जाएंगे और इसके एक मॉलिक्यूल में चाहिए मुझे कितने एटम है तो मैं डिवाइड कर दूंगा देखना प्रोसेस कैसे कर रहा हूँ ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन अपॉन फोर्टीन ये क्या आ गए मोल वेट अपॉन ऐटमिक वेट मोल आ गए इन टू एन ए कर दूं तो मैं बोलूंगा इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन हंड्रेड अपॉन वन नाइनटी फोर मोल और इंटू एने इतने मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ कैफीन सही बात है फिर से समझ लो क्या किया यहाँ पे 28.9 अपॉन 14 किया तो मोल आ गए इनटू टू एन ए किया तो एटम्स आ गए यहां हंड्रेड अपॉन वन नाइनटी फोर किया तो मोल आ गए और इनटू किया तो इनटू टू किया तो मॉलिक्यूल आ गए अब इसके एक मॉलिक्यूल में इसके एटम चाहिए इसके एक मॉलिक्यूल में इसके एटम चाहिए तो डिवाइड कर दो ना तो डिवाइड करोगे तो ऐसा दिखेगा 28.9 एट पॉइंट नाइन बाय फोर्टीन इंटू एन डिवाइडेड बाय पूरा का पूरा 100 अपॉन 194 नाइनटी फोर इन ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन ये आ गया इसका आंसर अब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैंने सॉल्व किया था मेरा फोर आया था ये आप डिवाइड करके देख लेना पूरा ये इसको सॉल्व करोगे तो फोर मतलब फोर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन ऐसा आएगा समझ के बाद को क्वेश्चन कैसे लगाना है इसमें आपको अब मैं बताता हूँ और कौन से क्वेश्चन आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे ये तो मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हीमोग्लोबिन का ठीक है उसका भी आंसर फोर आएगा आपका देखना इसी तरीके से सॉल्व करना है वो इस वाले पैटर्न पर बेस्ड है ठीक एक आपको मिलेगा आयरन फ्यूमरेट का क्वेश्चन ठीक है एक आयरन की टैबलेट जैसा दे रखा होगा वो क्वेश्चन आएगा वो इस पैटर्न पर बेस्ड है मतलब इससे रिलेटेड चलता रहेगा मामला मतलब एक ये क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको और एक इस टाइप का आना चाहिए बाकी इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है नोट कर लो इसको